नमस्कार दोस्तों, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीत गई, लेकिन राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी उलझी हुई है। जिस तरह से तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बगैर ही तीनों राज्यों में चुनाव लड़ा, जबकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का एक बड़ा चेहरा थे, फिर भी उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, सामूहिक नेतृत्व दिखाकर चुनाव लड़ा गया। इस वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी कायम रहेगी या नहीं, इसका फैसला उलझ गया है। अब इस उलझन के बीच शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान करते हुए कहा कि वो किसी भी चर्चा के लिए दिल्ली नहीं जाएंगे। बता दे, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर कई दावेदार सामने आ रहे हैं। मीडिया सूत्रों के मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी मुख्यमंत्री पद को लेकर सामने आ रहा है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी मुख्यमंत्री पद को लेकर सामने आ रहा है। अब इन्हीं कई नामों की वजह से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। अब राजस्थान में भी बड़ा खेला होता हुआ दिख रहा है। राजस्थान में चुनाव से पहले ही जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर अलग तरह की स्थिति बनी हुई थी, और चुनाव के बाद भी अलग तरह की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से राजस्थान की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे हैं, दो बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सबसे बड़ी कद्दावर नेत्री भी हैं। माना भी यही जा रहा था कि उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन चुनाव से पहले कई ऐसे खबरें सामने आई कि उनको दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। अब राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के चेहरों को लेकर मीडिया में सबसे ज्यादा बाबा बालकनाथ का नाम छाया हुआ है, लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि राजस्थान भाजपा में अब मुख्यमंत्री पद को लेकर खेमों का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है। जयपुर में सोमवार और मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से 45 विधायकों ने मुलाकात की। दैनिक भास्कर की एक खबर आप देख सकते हैं, राजस्थान में सीएम चयन पर दिल्ली में हलचल, मोदी से नड्डा ने की चर्चा, जयपुर में वसुंधरा राजे से 45 विधायक मिले, तो ही प्रदेश अध्यक्ष के पास केवल 26 विधायक ही पहुंचे। हालांकि इसमें 8 विधायक ऐसे हैं जो दोनों नेताओं के पास पहुंचे थे। वहीं वसुंधरा के समर्थक कालीचरण सराफ ने दावा किया कि वसुंधरा के घर 70 विधायक गए थे। वसुंधरा राजे से कौन कौन से 45 विधायक मिलने गए थे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वसुंधरा राजे से कौन कौन से विधायक और कहां के विधायक मिलने गए थे, उन सभी विधायकों के एक एक का नाम और उनके विधानसभा का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि 15 और विधायक वसुंधरा राजे से मिले हैं। वहीं दावा किया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से अब तक 60 विधायक मिल चुके हैं। वहीं आज तक की एक खबर आप देख सकते हैं, आज तक ने छापते हुए लिखा है कि वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन, 20 विधायकों का जमघट, कहीं उन्हें सचिन पायलट न बना दे। बता दे, चुनाव नतीजों के 24 घंटे बाद की एक खबर है। आज तक ने लिखा है कि राजस्थान में सीएम का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए पेचीदा हो सकता है। जिस तरह से वसुंधरा राजे ने अपने घर पर विधायकों की बैठक बुलाई है, उससे तो सही संदेश नहीं जा रहा है। बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी में इस तरह के कल्चर को बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज तक ने जब तक खबर छापी थी, तब तक महज 20 विधायकों का जमघट ही वसुंधरा राजे खेमे में था, लेकिन कल शाम तक इसकी संख्या बढ़कर 45 पहुंच गई। हालांकि कालीचरण सराफ ने दावा किया है कि वसुंधरा के घर 70 विधायक पहुंचे थे। आप चूंकि बहुत ही सीनियर हैं, आप कल दो बार वसुंधरा जी के घर गए थे। ये तो हमारी लीडर है, तो निश्चित रूप से जाते ही, क्यों नहीं जाते हैं, बधाई देने के लिए गए, वहाँ लोगों से मिलने जुलने गए। वहाँ पर आपके अलावा कई और विधायक आए थे, हम लोग बाहर गिनती गिन रहे थे, करीब 25 के 30 विधायक करीब पहुँचे। नहीं, लगभग 70 विधायक पहुंचे, आपको गलत दिन। 70 विधायक पहुंचे परसों और कल में मिला के 70 विधायक पहुंचे। यानी कि वसुंधरा के समर्थन में 70 विधायक हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में 115 सीटों पर जीत मिली है, और सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है 101 सीट का है। जिस तरह से वसुंधरा राजे के समर्थन में खेमेबाजी चल रही है, 70 विधायक जिस तरह से वसुंधरा राजे से मुलाकात कर चुके हैं, और उधर बालकनाथ को भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया था,
मीडिया सूत्रों के मुताबिक बाबा बालकनाथ का नाम भी सीएम लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा जीते हुए कई सांसदों के नाम को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब जिस तरह से वसुंधरा राजे से 70 विधायकों के मिलने का दावा किया गया है, अब भाजपा नेतृत्व तो यदि राजस्थान सीएम को लेकर किसी और के नाम पर मुहर लगाती है तो क्या कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से 70 विधायकों के मिलने का दावा किया गया है, इससे यही मानकर चला जा रहा है कि वसुंधरा राजे का ये समर्थन कर रहे होंगे, तभी तो वसुंधरा राजे से इन्होंने मुलाकात की है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास टोटल 115 विधायक हैं। आज इसमें 70 विधायक वसुंधरा राजे से मुलाकात कर चुके हैं, तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे के बिना 45 विधायकों के साथ बैठी है। इस स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और को सीएम बनाने का फैसला लेती है तो कहीं न कहीं भाजपा नेतृत्व के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा के घर विधायक पहुंच रहे हैं और मीडिया के सामने आकर खुलकर कह रहे हैं कि वो वसुंधरा राजे को सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, वो सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। अब यह सब देखकर कोई भी कह सकता है कि वसुंधरा राजे ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। बीजेपी के नव निर्वाचित जहाजपुर से आने वाले विधायक गोपी चंद मीणा ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि लोग वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। व्यवहार से आने वाले विधायक सुरेश रावत भी वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे। उन्होंने भी कहा कि वसुंधरा ने पहले बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सीएम आला कमान जिसे बनाए हम पार्टी के साथ हैं। इससे पहले बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोहली भी जयपुर में वसुंधरा राजे के आवास में एंट्री करते हुए बोले थे कि वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। हालांकि चुनाव नतीजे आए 2 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन भाजपा नेतृत्व तो अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाई है। अब आने वाले समय में भाजपा किसको मुख्यमंत्री पद देती है, या तो देखने वाली बात होगी। वहीं मध्य प्रदेश में भी कई तरह की खबरें सामने आ रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पद के लिए कैलाश विजयवर्गीय को लेकर जो खबर सामने आ रही है, जी न्यूज की इस खबर को आप देख सकते हैं। जी न्यूज ने लिखा है कि विधायक रमेश मेंदोला का दावा, जनता कैलाश विजयवर्गीय को चाहती है सीएम बनाना। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सीएम पद को लेकर जारी कयासों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ साफ यह कह दिया कि वह फिलहाल किसी भी चर्चा के लिए दिल्ली नहीं जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि न मैं पहले सीएम पद का दावेदार था, न अब हूँ, मैं सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जो भी पद या जिम्मेदारी देगी मैं उसे निभाऊंगा। हालांकि मध्य प्रदेश में भी भाजपा को मिले बम्पर बहुमत के बाद भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई एक नाम अब तक सामने नहीं आ सका है। भाजपा ने यह चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा था और सामूहिक नेतृत्व दिखाया था। इस वजह से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी कायम रहेगी या नहीं, इसका फैसला उलझ गया है। इस बीच मध्य प्रदेश के नेताओं की दिल्ली दौड़ भी जारी है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार समझे जा रहे कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और बीडी शर्मा मंगलवार को मंत्री गोपाल भार्गव भी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने नड्डा एवं शाह से मुलाकात कर एक तरफ से अपना दावा पेश किया। बता दें भार्गव 9 बार के विधायक हैं और मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी वे संकेत दे चुके हैं कि इस बार वो कुछ बड़ा हासिल करने वाले हैं। भाजपा ने इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा था, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल के साथ फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम शामिल था। हालांकि कुलस्ते चुनाव हार चुके हैं, इस वजह से आदिवासी मुख्यमंत्री की संभावना छीण हो गई है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी बड़े अंतर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। उनके समर्थक तो मुखर हो गए हैं कि मुख्यमंत्री पद तो विजयवर्गीय को ही मिलना चाहिए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर उलझ सकती है, क्योंकि कई चेहरे सामने हैं और वर्तमान शिवराज सिंह चौहान का नाम तो सबसे ऊपर है। अब भाजपा नेतृत्व तो इस मुश्किल रास्ते को कैसे पार करता है,
क्योंकि अगर विजयवर्गीय के नाम पर मुहर लगती है तो ज्योतिराय सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के समर्थक विधायक नाराज हो सकते हैं। अगर वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मुहर लगती है तो जो समर्थक विधायक मुख्यमंत्री पद के लिए विजयवर्गीय का समर्थन कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी भी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। बहरहाल आगे क्या होता है यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।